खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली के दुश्मन, जी हां, देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन कल ईद की सुबह घंटों दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया। अब इस विवाद पर राजनीति हो रही है। रोड पर एक लाइन में लाल रंग की दो बसें खड़ी और बस के सामने खड़े कुछ लोग बस पर पत्थर बरसा रहे हैं। भीड़ में शामिल कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, जबकि भीड़ में दिख रहे ज्यादातर लोगों ने टोपी पहन रखी है। तभी एक लाल शर्ट वाला लड़का बड़ा सा डंडा लेकर कूदते हुए आता है और बस के शीशे को तोड़ देता है। बुधवार से सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है, क्योंकि बस डीटीसी की है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि यह बस दिल्ली की ही है। अब सवाल ये कि इस बस में मुस्लिम समुदाय के लोग तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? इसकी पड़ताल करें उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि लोग इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के विधायक कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ये कश्मीर नहीं दिल्ली है। सांसद गौतम गंभीर जी का क्षेत्र पूर्वी दिल्ली। गुरुग्राम में बस पर पत्थर मारने वालों को केजरीवाल ने आतंकवादी कहा था, लेकिन दिल्ली में इस कांड पर चुप्पी क्यों? क्योंकि गुरुग्राम और दिल्ली में पत्थरबाजों का धर्म अलग अलग है। दिल्ली के बीजेपी विधायक एमएस सिरसा ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हुड़दंग मचाकर बसों में तोड़फोड़ करके आम लोगों को परेशान करके ईद नहीं मनाई जाती। ईद तो शांति और भाईचारे का प्रतीक है। दिल्ली के नमाजियों ने आज जिस तरह से हुड़दंग किया, वो ईद मनाने का तरीका बिल्कुल गलत है। इसी तरह से तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, रमजान के दिन ईदी देते हुए डरा हुआ मुसलमान। इसी तरह से लोग ट्विटर और फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। अब जरा इस वीडियो की हकीकत के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एक या दो बसों में ही तोड़फोड़ नहीं की गई। लाल रंग की एसी डीटीसी बस के अलावा हरे रंग की डीटीसी की बस पर भी पत्थर बरसाए गए। एक सफेद रंग की बस को भी इन लोगों ने निशाना बनाया। ये तमाम वीडियो एबीपी न्यूज के पास हैं। घटना ईद के दिन की है। लक्ष्मीनगर के पास जगतपुरी इलाके में मुसलमानों ने इस बवाल को अंजाम दिया। इसकी वजह है सीसीटीवी में कैद ये वीडियो। एक गली में कार तेजी से भाग रही है, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने में जो आएगा उसका क्या हश्र होगा। बताया जा रहा है कि कार के ड्राइवर ने ईद की सुबह नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों के बीच कार घुसा दी। इस वजह से भगदड़ मच गई, अफवाह फैल गई कि कई लोगों को कार ने कुचल दिया। और फिर इसके बाद मुसलमानों ने इस कार सवार का गुस्सा डीटीसी की उन बसों पर निकाला जिनका इस घटना से कोई नाता रिश्ता नहीं था। अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक सफेद रंग की जिस होंडा सिटी कार की वजह से ये बवाल हुआ, वो कार 30 मई को चोरी की गई थी। पुलिस सूत्रों का मानना है कि ईद के दिन पुलिस वालों की तैनाती को देखकर चोर को पकड़े जाने का डर था और इसीलिए उसने कार को बेतरतीब तरीके से भगाने की कोशिश की। आरोपी का नाम शाहरुख है। पुलिस के मुताबिक शाहरुख पेशेवर चोर है।
और उसने पुलिस के डर से ही कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। क्योंकि इस मामले में हंगामा करने वाले लोग मुसलमान हैं, इसलिए इस पर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के आनंद विहार थाने में खड़ी ये वही होंडा सिटी गाड़ी है जिसको शाहरुख अपनी महिला मित्र के साथ चला रहा था, और ईद की सुबह नमाजी जब नमाज पढ़कर अपने घर की तरफ जा रहे थे तब इसने इस तेज रफ्तार होंडा सिटी गाड़ी को नमाजी के ऊपर चढ़ा दी। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तब पुलिस को पता चला कि जो शाहरुख नाम का ये चोर है ये अक्सर गाड़ियां चुराया करता था और इसी ने इस होंडा सिटी गाड़ी को चुराया था। पुलिस ने कई टीमें बनाई और उसके बाद शाहरुख को उसकी इस महिला मित्र के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि वारदात के समय इसके साथ ही गाड़ी के अंदर बैठी थी।